हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज नैनी हेयर एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। हमारी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सेंटेंस एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इस वीडियो में हम लर्न करेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। नंबर वन, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नाउ व्हाट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस? वी कैन से इट असर्टिव ऑल्सो, असर्टिव सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। व्हाट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस? इट मेक्स अ स्टेटमेंट। ये क्या होता है? एक स्टेटमेंट बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। दिस इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। माई सिस्टर लिव्स इन मुंबई, मेरी बहन मुंबई में रहती है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस। इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप। डिक्लेरेटिव सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप होता है। एंड इट स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। स्टार्ट किससे होता है? कैपिटल लेटर से। नंबर टू, इम्पेरेटिव सेंटेंस। व्हाट इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस? इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ कमांड, ऑर्डर और रिक्वेस्ट। ये क्या एक्सप्रेस करता है? एक कमांड, ऑर्डर या रिक्वेस्ट। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? हम किसी को कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं। इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप। ये किससे एंड होता है? फुल स्टॉप से। फॉर एग्जाम्पल, गो देयर, वहां जाओ। हम क्या कर रहे हैं? इसमें कमांड दे रहे हैं, गो देयर। प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपना पेन दो। हेयर इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ओपन द डोर, यहाँ पे हम कमांड दे रहे हैं, दरवाजा खोलो। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। What is an interrogative sentence? Ask a question. Interrogative sentence क्या होता है? जिसमें एक question पूछा जाता है। It ends with a question mark. इसके end में क्या होता है? एक question mark. For example, will you wait here? क्या तुम यहाँ इंतजार करोगे? ये क्या है? एक interrogative sentence, क्योंकि हम यहाँ पे एक question पूछ रहे हैं। Where are you going? तुम कहाँ जा रहे हो? What are you doing? तुम क्या कर रहे हो? These are examples of an interrogative sentence. In this sentences, we are asking questions. Number fourth is exclamatory sentence. What is an exclamatory sentence? Express a sudden emotions. Exclamatory sentence express करते हैं कोई भी emotions को, feelings को, हमारी जो हमारे इमोशंस हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं, उनको ये एक्सप्रेस करते हैं। एंड इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। ये किसके साथ एंड होते हैं? एक एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंड होते हैं। इनमें कि हमारी सडन फीलिंग्स होती हैं, जैसे हम सरप्राइज्ड होते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं, वाओ, बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, अलास, ओह, ये हमारी जो फीलिंग्स हैं इनको ये शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटिफुल डे, हम बोलते हैं आज सरप्राइज होगी, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। तो ये क्या है? एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। यू वॉन द प्राइज, वी आर हैप्पी, हमारी फीलिंग्स को हम शो कर रहे हैं, तुम प्राइज जीत गए। हाउ ब्यूटीफुल दिस सिटी इज, ये सिटी कितनी ब्यूटीफुल है। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इन दीज सेंटेंसेज there is sudden feelings, emotions. Okay, now identify the kind of sentences. Here are some sentences. We have to identify them. These are interrogative, assertive, declarative, exclamatory or imperative. हमको बताना है कि ये simple sentences हैं, interrogative sentences हैं, imperative हैं या exclamatory हैं. Number one, what are you doing here? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसमें हम क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन पूछ रहे हैं। दिस सेंटेंस
वी आर आस्किंग क्वेश्चन, सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस. नंबर टू, प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाओ. वट वी आर डूइंग हेयर, रिक्वेस्टिंग हेयर, वी आर रिक्वेस्टिंग हेयर, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं. सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर करते हैं, कमांड करते हैं, वो किसके एग्जाम्पल है, इम्पेरेटिव सेंटेंस. द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई, ये कौन सा सेंटेंस है, इसमें एक स्टेटमेंट है, स्टार साइन करते हैं स्काई में, तो ये क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस भी हम इसे बोल सकते हैं. व्हाट अ नाइस ड्रेस इट इज, इसमें क्या है, इसमें क्या है, सडन फीलिंग्स है, इमोशंस है और एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो ये कौन सा एग्जाम्पल है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का. डोंट शाउट इन द क्लास, यहाँ पे हम कमांड दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, डोंट शाउट इन द क्लास, सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस. योर फादर इज बीटिंग योर ब्रदर, तुम्हारे फादर तुम्हारे ब्रदर की पिटाई कर रहे हैं, सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसमें एक स्टेटमेंट है, तो ये एग्जाम्पल है एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस का. फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब.